जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट या आर्मी अपडेट्स में। इस समय की ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो आने वाली वैकेंसी और इस समय करंट वैकेंसी जो चल रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लगभग 90,000 वैकेंसी जो है वो आउट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो छोटे मोटे फॉर्म लग रहे हैं उनको आपको बता रहे हैं। बाकी आप लोगों को बता दें कि जो मेन एग्ज़ाम लग रहे हैं जो पूरे भारत में लग रहे हैं, 90,000 वैकेंसी पूरे भारत में निकली है। कुछ वैकेंसी आप लोग कौन कौन जम्मू कश्मीर वाले की किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। IPS नासिक जो उनके लिए है, बॉम्बे मर्चेंट कॉपरेट बैंक में हैं महा, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें मेन जो आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, ये आई छोटी मोटी वैकेंसी है मेन महा DMA रिक्रूटमेंट 1700 वैकेंसी। ये तो भाई इस लिस्ट में तो मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए कोई बेस्ट वैकेंसी रहेगी, इसमें तो काम कोई भी नहीं। EMR TGT वाले हैं जिसमें 6000 वैकेंसी है, तो ये TGT में फ़िलहाल ये MABED वाले या दूसरे इसमें फिल कर सकते हैं। झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट 26,000 वैकेंसी आई है जो झारखंड वाले के लिए है। 45 IPS क्लर्क का नोटिफिकेशन है ये 4545, इसमें बैंक का है ये छोटी मोटी वैकेंसी है भाई। तो इसमें और कोई बड़ा वैकेंसी तो देखने को नहीं मिल रहा जो इसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकें। तो ये सब अपने अपनी स्टेट्स की वैकेंसी निकली हुई देख सकते हैं। जहाँ पर बात आप लोगों को बता दी कि एयरफोर्स के फॉर्म भी लगने वाले हैं। बाकी वैकेंसी की बात करें तो ये देख सकते हैं जहाँ पर एयरफोर्स अग्निवीर की 3500 वैकेंसी आई है जिसके फॉर्म अभी कुछ दिनों में लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे वीडियो बनाएंगे हम बता दें। MES में जहाँ पर 7256 पोस्ट है इसके भी फॉर्म अभी लगने हैं, जैसे लगेंगे बता देंगे। ITBP ड्राइवर की नोटिफिकेशन अभी आई हुई है, इसकी भी अभी एग्ज़ाम फॉर्म लग रहे हैं जिसमें आप लोगों को वो चाहिए लाइसेंस वगैरह। असम राइफल में स्पोर्ट्स कोटे में निकला है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं रेलवे अप्रेंटिस में 3624 हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है अभी तक, तो खास जब वैकेंसी आएगी जरूर बताएंगे। देख सकते हैं टोटल 90,000 वैकेंसी जो थी इस समय पूरे भारत में निकली थी, बट मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा भारत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत बुरी हालत है। बेरोज़गारी की बात करें तो देख सकते हैं रेट ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है 23.2 जो है वो जम्मू कश्मीर में है, 23.8 जो है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान बहुत बड़ा है बट जम्मू कश्मीर देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो रखी है, इतनी बेरोज़गारी है, कोई बच्चों को यहाँ पर फॉर्म नहीं लगने को मिल रहे। तो आप लोगों को बता दें कि आने वाले समय में JKP की भर्ती पर उम्मीद होती है आपकी, MES की भर्ती 2, JKP 1, MES 2, और अगर JK ओपन रैली हो जाती है तो वो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह भी आएंगे तो मेरे ख्याल से क्या पता अक्टूबर तक आपकी ओपन रैली भी होने के चांस हैं। उसके बाद TA की भर्ती आ जाए एक, तो अगर उधर अग्निवीर के भी है तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हो सकता है अगर गवर्नमेंट सोचे। JKSSB क्लास 4th के फॉर्म लगा दें या तो ऐसी छोटी मोटी वैकेंसी आए तो कुछ ना कुछ जो है वो देखने को मिल सकता है, बट गवर्नमेंट काफ़ी ढीली है, सोई हुई है। तो आप लोगों को अभी वेट करना पड़ सकता है 1-1.5 महीना भी, अगस्त के बाद ही आप लोगों को कुछ फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। हम लगातार अपडेट्स पर रहते हैं, कोई नया नोटिफिकेशन नई वैकेंसी निकली तो ज़रूर बताएंगे। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आपको वीडियो किसके रिलेटेड चाहिए, SSC GD का मेडिकल वगैरह भी चल रहा है, तो SSC GD भी जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो मेरे ख्याल से अगली SSC के फॉर्म भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे। अभी नया कोई फॉर्म नहीं लग रहा, MTS का भी आप लोगों को पता है लास्ट डेट हो गई है और MTS का रिजल्ट भी आने वाला है, CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बाकी और भी काफ़ी आप लोगों को बता दें कि आने वाले समय में और भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बट अभी कोई 10वीं बाज MES पर जहाँ पर काफ़ी वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं तो MES के अभी स्टार्ट नहीं हुए। मेरे ख्याल से जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो ज़रूर आप लोगों को जानकारी देंगे। आपको दबा के तैयारी करनी, 48,000 वैकेंसी MES में, तो बड़ी वैकेंसी है। बाकी तमाम बच्चों को हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट।